हेलो हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो फिर से नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी टाइम है तकरीबन 12 बजने में, 10-12-15 मिनट होंगे। सूरज देवता आसमान में पूरे फ्लो में चमक रहे हैं, लेकिन जो धूप धरती लोग पे आ रही है ना, पृथ्वी लोग पे, उसका हाल तो आप कैमरे में देख ही रहे हैं। इतनी मरी मरी धूप आ रही है, आसमान में बादल बिल्कुल नहीं है। ये कमाल है हमारे NCR में होने वाले स्मॉग का। ज़बरदस्त पॉल्यूशन है इस वक्त और ऐसा लग रहा है जैसे बादल हो, उसकी वजह से धूप कम हो जाती है, ऐसा सीन बना हुआ है। बट ये कारनामा है जो धान की फसल का बचा हुआ हिस्सा पराली या क्या बोलते हैं जलाते हैं पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह से ये हो रहा है। और थोड़े दिन के बाद तो ये और बहुत वर्स्ट हो जाएगा। चलिए, खैर, हमें आदत है इन चीज़ों में जीने की। तो दोस्तों, चलते हैं एक छोटी सी राइड पे और आज हम चल रहे हैं हमारे ग्रेटर नोएडा का जो एक सिटी पार्क है, वहाँ चलेंगे। जब देखें, बहुत साल हो गए वहाँ गए हुए कि उसकी हालत क्या है, कैसा है। तो बने रहिए मेरे साथ, अब मिलते हैं सिटी पार्क पे। ये मेट्रो जा रही है जी, मौसम की हालत बहुत ही खराब है। मतलब इतना ज्यादा ये स्मॉग है कि ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में जबरदस्त बादलों के पीछे सूरज है, जबकि बादलों का नाम और निशान नहीं है आसमान में। तो ये लेफ्ट में देखिए, जो पेड़ों के ऊपर इन्होंने पेंट किया है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसके तीनों कलर जो है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये कर दिया है लेफ्ट। ये सारा लेफ्ट में दिख रहा है, इधर बहुत बढ़िया लग रहा है। पीछे तो रोड के दोनों तरफ का रखा था इन्होंने, यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट में किया, अभी करेंगे आगे भी। इट इज़ लुकिंग गुड। तो ये आ गया जी मेट्रो स्टेशन, ये है डेल्टा वन इज अ सेक्टर है ना, तो उसके नाम पे स्टेशन है डेल्टा वन। हमारी पिछली राइड में मैं जिस पार्ट में ग्रेटर नोएडा के राइड कर रहा था, वहाँ बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, पर यहाँ ये हम मेन पोर्शन में हैं अभी, तो यहाँ ठीक ठाक ट्रैफिक है ना, नॉर्मल है मतलब। तो मेरा ख्याल है कि यही एंट्रेंस है, चेक करते हैं। ये तो कोई वो है बैंकेट वगैरह है, देखते हैं। ये राइट साइड पे एक मंदिर है, ये ऐसा बोलते हैं काफी प्राचीन मंदिर है। यही सिटी पार्क है, देखते हैं खुला है कि बंद है। बंद तो नहीं होना चाहिए। खुला है तो स्कूल के बच्चे यहाँ पे बहुत आते हैं पिकनिक मनाने। जिराफ बना, ये लिखा है जी सम्राट मिहिर भोज पार्क। ये यहाँ लिखा है जी प्रवेश शुल्क व्यस्त 10 रुपये, बच्चे 5 से 12 5 रुपये, मासिक पास किराया 100 वगैरह वगैरह, स्कूल का ग्रुप 250 रुपया। चलो अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, बात की शुरुआत करते हैं। जो लास्ट वीडियो अपने व्लॉग में बोला जब मैं स्कूटी राइड कर रहा था कि मेरे आगे आने वाले दिनों में प्रोग्राम क्या रहेंगे, तो उसमें मैंने पन्ना नेशनल पार्क सबसे पहले विजिट करना था और मैंने ऐसा प्लान बनाया था कि मैं कम से कम 2 दिन वहाँ रहूँगा, 2 नाइट, और अपना 3 सफारी मिनिमम करूँगा। लेकिन जब मैंने उनकी साइट पे बुकिंग करने की कोशिश करी तो वहाँ पर जो मेरी छुट्टियां हैं उसमें से एक दिन तो पार्क ही क्लोज है, नेशनल पार्क बंद है, बाकी के एक दिन में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। सो मुझे मिली है 13 तारीख की बुकिंग, 13 मॉर्निंग में कुछ 5 से 6 घंटे की सवारी है जिसको मैं करूंगा। वो मेरा परमिट बन गया है और वहाँ जाके जिप्सी अरेंज करेंगे। तो चेंज प्रोग्राम, पहले मैं अकेला जा रहा था, अभी मेरा बेटा ही मेरे साथ जा रहा है, तो हम दोनों जाएंगे, तो 1-6 घंटे की सवारी तो हम वो करेंगे। उसके बाद वहीं जाके हम तत्काल में एक उनकी स्कीम है तत्काल की, उसको बुक कराने की
कोशिश करेंगे कि मेरे को शाम की भी एक सफारी है जो तकरीबन 4 घंटे की होती है वो मिल जाए। अगर वो हो जाएगी, जोड़ तोड़ मैं कर लूँगा, हो जाएगी वो भी, तो इस तरह से हम 2 सफारी कर पाएंगे और एक नाइट वहाँ रुकेंगे। उसके बाद हम वी विल कम बैक टू झांसी। झांसी में मेरी वाइफ, मेरे इन लॉज झांसी में है, मेरी वाइफ वहीं पे है, तो वहाँ झांसी में 2 दिन स्टे करेंगे, देन विल कम बैक। और उसके बाद आगे के जो प्रोग्राम ईश्वर ने चाहा, तो जो मैंने सरिस का या रणथंभौर का और दैट भरतपुर नेशनल, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर, ये सब मैं करूँगा। और एक चीज़ आपको दिल्ली में और दिखाऊँगा जिसको बोलते हैं लेपर्ड ट्रेल। गुड़गावा जो है, गुड़गांव जो है दिल्ली से लगा हुआ, उसके पास एक जगह है जो 8-10 किलोमीटर का एक ट्रेल है जो बहुत ही बढ़िया है, लेपर्ड ट्रेल बोलते हैं। लेपर्ड है वहाँ पर दिखेगा नहीं, कीकर के जंगल है वहाँ पर, और वहाँ एक राइड करेंगे, उसका ये मज़ा लेंगे। तो फिलहाल तो मैं बैठा हूँ बाग में जी आराम से, इस बिग गार्डन, मस्त जगह है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और आपको बाग की जगह दिखाता हूँ। जिसे पहाड़ों पर मैं थोड़े पे बताया, चीड़ का पेड़ होता है, उसी की कुछ वैरायटी है। इसमें चीड़ लगे हुए हैं, जो उसका फल होता है वो लगा हुआ है इनमें, लेकिन ये पेड़ उस तरह वहाँ तो ये लंबे और सीधे होते हैं पेड़, यहाँ पर ये छोटे हैं, हाइट भी बहुत कम है और दे आर स्प्रेड अक्रॉस, तो ये समथिंग डिफरेंट। वहाँ पीछे, वहाँ पे एक छोटा सा शेड सा बना हुआ है, उसमें बेंच लगे हैं, बारिश वारी जाए तो वहाँ बैठ सकते हैं। मैं ऐसी जिस बाग में रोमिंग अराउंड देख रहा हूँ कि क्या क्या है, कैसा है, बहुत शांति है, थोड़ा बहुत बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, और ये क्या मस्त पीपल का पेड़ है, बढ़िया सा। और ये एक मुझे यहाँ पे कुछ कुआं सा दिख रहा है, कुआं, ये इसको जाके देखते हैं क्या है। तो आइए चलिए मेरे साथ देखते हैं ये क्या चीज़ है। चलिए लेट्स सी क्या है ये, वाकई में कुआं है या ऐसे ही बना रखा है, ये ऐसा बना रखा है, इसके ऊपर शेड भी बना रखा है, देखते हैं इसमें है क्या। लो, वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ, ये कभी शायद कुआं हुआ होगा या तो उसको भर दिया या ऐसी चलो ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर, ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। चलिए अब देखते हैं, हेलमेट हाथ में पकड़नी पड़ रही, लेकिन क्या करें, तो वो आगे एक पुल सा बना हुआ, उसको देखते हैं, चलते हैं यहाँ से। पार्क काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा मेंटेन नहीं है। जो एंट्रेंस है दैट इज़ वेरी गुड, उस पर जो वो जो प्लांट लगे हैं, जिससे फूल लगे हैं, वो बहुत प्यारा है, उसको दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए यहाँ से है जी, वो सामने जो गेट दिख रहा है दैट इज़ एंट्रेंस गेट, वहाँ से मैं अंदर आया था, और ये हैं जो पेड़ जिनके अंदर ये फ्लावर्स लगे हैं। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पार्क, जब एंटर करते हैं तो ये बहुत अच्छा इम्प्रेशन इसका पड़ता है। तो दोस्तों अब चल पड़े हम, ये इधर भूत बंगला बना हुआ है, वो बड़ा वाला झूले वूले लगे हुए हैं, ये कुछ मेला लगा है दिवाली के लिए, तो ये रात को अच्छा होगा यहाँ पे सीन, लाइटें वाइटें काफ़ी होंगी, तो रात को एक बार देखेंगे कैसा होता है। तो यहाँ से निकलते हैं बाहर और एक छोटी सी राइड लगाते हुए चलते हैं घर की तरफ। हमारा शहर है जी साफ सुथरा, रोड्स भी बढ़िया हैं, चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं, खुली, ट्रैफिक कम है। वो सामने वो मेट्रो आ रही है उधर, वो देखिए ये है, देखिए क्या बढ़िया प्लांटेशन है, बहुत बढ़िया प्लांटेशन है। लेफ्ट में देखिए, सेंटर में, लेफ्ट राइट में, कहीं भी देखिए, प्लांटेशन बहुत बढ़िया है। थ्रू आउट ग्रेटर नोएडा ऐसी ही प्लांटेशन है, ऐसी ग्रीनरी है, उसके बावजूद भी पोल्यूशन इतना है, क्योंकि आसपास से जो वो जल के धुएं का आ रहा है, तो ग्रेटर नोएडा भी क्या करेगा। जी जेपी इंटीग्रेटेड टाउनशिप। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि टाइम अभी हुआ है तकरीबन 4:45 और बाहर का मौसम देखिए जबरदस्त स्मॉग है, और
मतलब इतना ज्यादा है कि आंखों में पानी निकल रहा है, जलन हो रही है, सांस अंदर क्या होगा हालत वो तो कह नहीं सकते। अब ये जो सामने आप देख रहे हैं, वो सामने दूर जो बिल्डिंग दिख रही है ऐसी क्लियर दिखती थी, ऐसी हेजी दिख रही है बिल्कुल, आसमान में ये पूरा धुंध, और धुंध है, ये बादल नहीं है, ये कोई धुआं है भरा हुआ। अब मैं घर के बाहर ही खड़ा हूँ तो मेरे नाक में जलन होने लगी है। तो इस ब्लॉग को आज ही बंद कर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी दूसरे ब्लॉग में, और तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, सी यू सून।